नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार्स ऑन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। इन वेबिनार्स के जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि जो नए जॉब रोल्स इमर्ज हो रहे हैं उनके बारे में आप सभी को विस्तृत जानकारी दे सकें। इस नए दौर में वर्क डायनेमिक्स तो चेंज हो ही रहे हैं, साथ में जॉब रिक्वायरमेंट्स में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है। इसीलिए नेक्स्ट का प्रयास यही रहेगा कि सबको आगे बढ़ाया जा सके, सबको एक साथ लेके चला जा सके। इस सीरीज में आज पहले एपिसोड में हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में एक बूम विटनेस किया है, स्पेशली ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर्स में। ऐसा अनुमानित है कि 2030 तक मास कस्टमाइजेशन की जरूरत और डिमांड तेजी से बढ़ेगी। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज के समय में एक मेजर मार्केट फोकस है। इसके कारण है कस्टमाइजेशन की बढ़ती डिमांड, एरर्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जीरो मटेरियल वेस्ट, लो डेवलपमेंट कॉस्ट और समय। इन सब फैक्टर्स की वजह से आज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मार्केट की एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है और मार्केट को नए आयाम दे रहा है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार संभत जी मौजूद हैं। सर यूपीआईडी नोएडा में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Over to you, madam. थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू डॉक्टर कुमार संभव। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे जो जॉब सीकर हैं उनके बेहतरी के लिए इस सब्जेक्ट पे आपने बोलना स्वीकार किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं वेबिनार के माध्यम से आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कुमार संभव जी के जो एक्सपीरियंस है उनका फायदा उठाएं, क्योंकि जो नए फील्ड में हम आप लोगों के लिए इस तरह का प्रोग्राम लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो सर्विसेज है, आप लोगों की जो नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि इन वेबिनार्स के थ्रू आप डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सकें और आपके पास जो भी जॉब सीकर आता है उनको गाइड कर सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम है ये NCS जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर में मॉडल कैरियर सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं और उसी का एक हिस्सा है कि हम सभी बच्चों को कैरियर गाइडेंस भी दें। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब लोग इंडिया के सभी फिजिकल प्लेसेस पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने वेबिनार के थ्रू ये जो प्रोग्राम किया है ताकि घर बैठ करके जितने भी जॉब कर रहे हैं इस प्रोग्राम को देख सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब चैनल पे चलेगा और यूट्यूब पे जो पड़े रहेंगे जितने भी जॉब सीकर्स को देखना चाहें और अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहें इस फील्ड में, खासतौर पे 3D प्रिंटिंग के फील्ड में अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक यू कुमार जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना वक्तव्य स्टार्ट करें पर हमारे बच्चों को एड्रेस करें। थैंक यू। मैं कुछ PPT अपनी तरफ से शेयर करता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या 3D प्रिंटिंग के फील्ड से जुड़े हैं? कोई ऐसे हैं? चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हम लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। 3D प्रिंटिंग को ही रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं, लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, कई नाम है। जिन जिन कंपनीज ने इसकी टेक्नोलॉजी पे काम किया उन तरह के नाम इसको दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम इसे बना सकते हैं। जैसे आप इसको देखें तो एक ये गियर बना हुआ है, बहुत ही छोटा सा गियर बना हुआ है। ये किसी मशीन का पार्ट है, प्लास्टिक कंपोनेंट बना हुआ है। ये एग्जॉस्ट पाइप है, ये कुछ और मशीन का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे कितना रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है इसको प्रयोग करते हुए, और धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या हुआ? जैसे इसको अगर रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि कोई भी हम डिज़ाइन सोचते हैं तो पहली बार जब कोई प्रोडक्ट बन के उससे आता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। तो एक तो होता है मास मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमें नट बोल्ट बनाना है तो हम बहुत सारी संख्या में नट बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं। एक ही तरह के प्रोडक्ट का हम बहुत सारे रेप्लिका बनाते हैं ना, बहुत सारे तरीके से उसको बनाते हैं। बट यदि हमें कोई नया डिज़ाइन बनाना है, जैसे प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं मान लीजिए आपको किसी चीज़ के लिए, किसी मशीनरी के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी आर्टिफैक्ट के लिए कोई छोटा सा कंपोनेंट बनाना है जो यूनिक है, अपने आप में एक ही बनाना है आपको, बहुत सारा नहीं बनाना है। तो
आप एक बना के उसको यूज कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इसको बनाएं और फिर आप इसको पैटर्न की तरह यूज करें और इसे कास्टिंग करें और इसके फिर मिलियंस ऑफ रेप्लिका आप बनाएं, ये भी पॉसिबल है। जैसे हमने एक पहले छोटा सा एक प्रोडक्ट बनाया 3D प्रिंटिंग के द्वारा, उसको हमने पैटर्न की तरह यूज किया और कास्टिंग प्रोसेस में यूज किया, फिर और कास्टिंग प्रोसेस में हम उससे कई सारे कॉपी बना लिए, ये भी पॉसिबल है। तो प्रोटोटाइप को देखें तो जो फर्स्ट के ओरिजिनल एग्जांपल होता है आपके डिजाइन का, जिसको आगे हम डेवलप करते हैं, उसकी कॉपिंग करते हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो ये जिस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं उसका एक अप्रोक्सीमेशन है, डिजाइन हम जो तैयार करते हैं। तो जनरल डेफिनेशन अगर प्रोटोटाइप का देखें तो उसमें तीन भाग हैं, एक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, दूसरा उसका फॉर्म क्या होगा, और तीसरा उसमें डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, यानी हम कितना अप्रोक्सीमेट डिजाइन बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे या उसके अप्रोक्सीमेट कुछ बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि 3D प्रिंटिंग में भी कुछ अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व होता है, जैसे सर्फेस बिल्कुल स्मूथ है बट जब आप उसको सॉलिड बेस्ड प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो सर्फेस इतना स्मूथ नहीं आता, तो हमको ये तय करना होता है कि अल्टीमेटली हम कितना कॉस्ट बियर करके कितना अप्रोक्सीमेशन तक जाना चाहेंगे। तो बेसिकली लाइव प्रोटोटाइपिंग को फिजिकल प्रोटोटाइप ही है जो हम बनाते हैं, और अभी इसको 3D प्रिंटिंग से आगे बढ़कर आप पाएंगे कि अब समय थोड़ा बदल रहा है, 4D प्रिंटिंग भी करने लगे हैं। 4D मतलब फोर्थ डायमेंशन, 3D मतलब थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन क्या हुआ, अगर मुझे किसी सॉलिड को स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, आपको पता होगा किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हमको फीड करना हो तो कितने होते हैं, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो थ्री डायमेंशन हो गए। 2D मतलब टू डायमेंशन, एक प्लेन पे हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो टू डायमेंशन हो गए, स्पेस में बना रहे हैं थ्री डायमेंशन हो गए। अब अगर कोई कह रहा है फोर्थ डायमेंशन वो क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं, अगर 4D प्रिंटिंग की बात की जाए, 3D प्रिंटिंग से आगे चलकर 4D प्रिंटिंग अगर कोई कहता है तो फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन टाइम होता है, यानी जो फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं उसको हम लोग 4D प्रिंटिंग में ले जाते हैं। तो अभी हम लोग 3D प्रिंटिंग की ही बात कर रहे हैं। तो प्रोटोटाइप को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, कोई हमने नया प्रोडक्ट सोचा एक्सपेरिमेंटेशन किया उसका, या उसको सीखने सिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्लास रूम में ले गए और कोई प्रोटोटाइप बना के दिखाया कि देखो बच्चों ये चीज़ें ऐसी होती है, जो आपने अभी 2D स्केचिंग किया था वो 3D में बनकर ऐसा आता है। टेस्टिंग एंड प्रूफिंग, तो कोई हमको प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, और मेटल 3D प्रिंटिंग भी होती है, हम मेटल से भी बना सकते हैं, तो कोई मेटल का हमने बनाया उसकी टेस्टिंग करके दिखाई कि देखो ये ना फुल प्रूफ है, इसके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, आप किसी कमिटी बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं, आपने कुछ नया आइडिया सोचा और आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आपने कोई नया टॉय सोचा, आपके अंदर कोई नया टॉय का डिज़ाइन आया, अब एक तरीका है कि हमने 2D स्केच करके टॉय को दिखाया कि देखिए ऐसा दिखेगा, दूसरी संभावना है कि हमने उसकी मॉडलिंग की, सॉलिड मॉडलिंग की, तो आप लोग जानते हैं सॉलिड वर्क्स है, फ्यूजन है, ऑटोकैड है, इन्वेंटर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके हम मॉडलिंग करते हैं, हम इसका मॉडल 3D मॉडल बना के दिखाया कि देखिए ऐसा होता है। एक और संभावना है कि हम इसको प्रिंट करके हमने सीधा सीधा दिखाया कि देखिए ये चीज़ ऐसा होता है ना 3D प्रिंटेड, तो उसको कहते हैं ना सीइंग विथ योर हैंड्स। तो जब आप किसी व्यक्ति को हाथ में कोई चीज़ देते हैं तो आपका जो आइडिया है उसको कम्युनिकेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा ठीक से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने डिज़ाइन के बारे में बता सकते हैं कि इसमें क्या नया फीचर आपने डाला है। तो आप देखेंगे मार्केट में आज के दिन नए नए डिज़ाइंस आते हैं, टॉयज आप देखेंगे नए नए आते हैं, आप मेला पे जाते हैं आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, बच्चों के इंटेलेक्चुअल स्किल को बढ़ाने के लिए उसने कोई नया डिज़ाइन सोचा है, उसको एक टॉय का शेप दे दिया है। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, आप उसको आइडिया को तुरंत 3D प्रिंट करके सामने देख भी सकते हैं, दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के पास गए और आपने कहा कि देखिए मेरा ये आइडिया है ना, हमने इस डिज़ाइन को कॉपीराइट कराया है या पेटेंट कराया है और मैं चाह रहा हूँ आप इसको मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चर करेंगे उसका प्रॉफिट का एक शेयर आपको भी मिलेगा। तो आप अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग के माध्यम से, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। देन सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन, तो जैसे कुछ चीज़ों को जोड़ कर हमने कोई बड़ी चीज़ बनाई, तो किसी भी बड़े प्रोडक्ट में छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हमने उसको आपस में जोड़ना है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से बन रही हैं, कुछ चीज़ें हैं हमने खुद डिपेंडिंग करके बनाया और उसको आपस में जोड़ा। शेड्यूलिंग एंड मार्किंग, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग बेसिकली शेड्यूल मतलब कोई प्लानिंग हमको बनानी है, मार्कर्स कि हमें कब क्या काम करना है, उसके लिए हमें प्रोटोटाइप के बारे में बताना है, तो हम वहाँ पे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अचीवमेंट्स ग्रुप में देखें तो इससे
प्रोटोटाइपिंग का जो समय लगने वाला है वो कम हो जाता है, इट कैन कम फ्रॉम वीक्स टू डेज, है ना। बहुत सारा समय हमें लगता है अगर हम कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से चलते और उसको हम कुछ दिनों में बना सकते हैं, कॉस्ट हम घटा सकते हैं, है ना। तो अगर हमें कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से कोई नया प्रोडक्ट बनाना पड़े, पूरी डिजाइन बनानी पड़े, उसके हिसाब से मुझे पैटर्न बनाना पड़े, कास्टिंग करनी पड़े, मशीनिंग करनी पड़े, तो बहुत सारा कॉस्ट आएगा। बट 3D प्रिंट करके हमने उसको दे दिया। डिजाइन आइट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं। डिजाइन आइट्रेशन का मतलब होता है कि हमने एक बार कोई चीज़ बनाई गलत हो गई, हमने दोबारा उस पर डिजाइन में चेंज किया, अब बना के देखा, अब देखा कि ठीक से है कि नहीं, प्रोडक्ट हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इंक्रीज ऑफ पॉसिबल फॉर्म फिट फंक्शन टेस्ट, तो आप फॉर्म फॉर्म नहीं बेसिकली फॉर्म है, फॉर्म को आप टेस्टिंग कर सकते हैं। फिटिंग, कोई कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से कैसे फिट होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, इन सब को आप टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। इससे आपका क्या हो, डिजाइन साइकिल कम हो गया। डिजाइन साइकिल कम होने का मतलब कि राइट फ्रॉम आइडिएशन टू प्रोटोटाइपिंग आपको जो समय लगता है, यानी कोई नई आइडिया हमने सोची के ऊपर हमने कुछ बनाना शुरू किया और फाइनली जाके वो डिलीवर किया हमने, तो उसमें समय कम लगेगा। इट इज़ टाइम टू मार्केट, मार्केट में कोई डिमांड आई, है ना, और आपने तुरंत सोचा कि ये चीज़ बनाई जाए। हो सकता है कल को कोई नया नई चीज़ की डिमांड आ गई मार्केट में और आपको तुरंत डिलीवर करना है। जैसे मान लीजिए लोग मोबाइल यूज़ करें, आप लोग इसका एक स्टैंड क्यों ना बनाया जाए ताकि लोग मोबाइल सामने रखकर उसको देख सकें। तो आपको एक स्टैंड बनाने का आइडिया आया, आप गए, आपने डिजाइन किया, प्रिंटिंग की और प्रोडक्ट बनाकर आपने उसको मार्केट में ले आए, तो टाइम टू मार्केटिंग कम हो जाता है। इसमें ये भी एक अच्छी बात है कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपको मशीन के पास खड़े रहना है पूरे समय, है ना, और उसको मैन्युफैक्चर करना है। बट इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने बस डिजाइन बनाया और 3D प्रिंटर पे आपने सेट कर दिया, शाम को आपने इसको प्रिंटिंग पे लगाया, तो रात भर अपना काम कर रहा है, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग है, आपने देखा प्रिंटेड प्रोडक्ट बना हुआ रखा हुआ है, तो आपको पूरे समय मशीन के सामने खड़े भी नहीं रहना है। और अभी मैं आपको बताऊँ कि जो सॉलिड बेस्ड प्रिंटिंग है, FDM कहते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, उसकी मशीनें पहले तो करोड़ों की आती थी, अब वो धीरे धीरे उसका मिनिएचर ऐसा सा बनता जा रहा है और डिजाइन इतने सिंपल होते जा रहे हैं कि अब उसे लोग हर गली नुक्कड़ पे बना सकते हैं। तो 3D प्रिंटर को आप असेंबल कर सकते हैं, उसके वेरियस कंपोनेंट्स आप खरीद लाइए, कुछ से घर में बना लीजिए, आप उसे असेंबल कर सकते हैं। जैसे अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे क्या कि कैसे हाउ टू मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटर एट होम, घर पे कैसे 3D प्रिंटर बनाए, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको गाइड करते हैं। ये कुछ फ़ायदे हैं। यूजफुल कंडीशंस क्या है कि अगर यूनिक आइटम है, स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज है, तभी आप इसका यूज़ करेंगे। आप इसकी 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, तभी आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें 3D मॉडल आपको बनाना ज़रूरी होता है। और इसको तब यूज़ करते हैं जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है, जिसको इकोनॉमिकली बनाना कन्वेंशनल मेथड से बहुत ही महंगा पड़ेगा, मतलब पॉसिबल नहीं होगा। बट यदि आप 3D प्रिंटिंग यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम कॉस्ट में आप बना सकते हैं। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, इंटरटेनमेंट के लिए है, जैसे इस तरह के आप देख सकते हैं तो बहुत सारा इसमें शेप एंड साइज के ना कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो 3D स्कल्पिंग टू क्रिएट कैरेक्टर्स फॉर फिल्म्स एंड TV प्रोग्राम्स। फैशन इंडस्ट्री में है, आप क्लोथिंग, शूज, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, ये सब 3D प्रिंट कर सकते हैं। कपड़ों की भी 3D प्रिंटिंग होती है, आपको बताएं तो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को हम प्रिंट करते हैं, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। जूतों की आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपके पैर के शेप एंड साइज का जूता नहीं मिलता मार्केट में, आप बिल्कुल अपने पैर के लिए कस्टमाइज जूता चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। एक्सेसरीज जो भी आप चीज़ें कैरी करते हैं अपने साथ में उनको आप बना सकते हैं। ज्वेलरी की प्रिंटिंग हो सकती है। आर्किटेक्चर में देखें तो अब बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं, ब्रिजेज भी बन रहे हैं। चाइना में बहुत सारे ब्रिजेज आप 3D प्रिंट होकर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं, और कंक्रीट डिस्पेंसिंग मशीन को यूज़ करते हुए 3D प्रिंटेड हम बना सकते हैं। डिजाइनिंग 3D बुक कवर्स एंड इमेजेस, तो पब्लिशिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में यूज है, क्रिएटिंग गेम कैरेक्टर्स एंड सीन्स दैट कैन बी एनिमेटेड, तो आपने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए 3D प्रिंटेड उसको आप एनिमेट कर रहे हैं। एविएशन में यूज़ कर सकते हैं, इंजन के पार्ट्स, रॉकेट के नॉजल्स, वाल्व्स आदि बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यूज टू मेक प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्शन पार्ट्स। मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, प्रोस्थेटिक्स में और ऑर्थोटिक्स में। प्रोस्थेटिक्स का मतलब कि जैसे कि किसी का कोई अंग भंग हो गया है या अंग ठीक से काम नहीं करता, उसको हमको सपोर्ट करना है, तो हम
3D प्रिंटेड पार्ट्स बना के लगा सके। किसी का हाथ मान लीजिए आर्मी में थे, युद्ध करने गए और हाथ नहीं रहा, युद्ध से लौट के आए थे, तो हम क्या वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लिम बना के दे सकते हैं? जैसे कानपुर में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एलिम्को, वहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स ही बनाए जाते हैं। वहाँ पे आप देखें किस तरह के टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूज होता है। डैमेज ऑर्गेन्स का प्रिंटिंग, ऑर्गेन्स एंड ब्लड वेसल्स, अब ये धीरे धीरे इसका यूज बढ़ता जा रहा है। सॉफ्ट टिश्यू तक बना सकते हैं, ऐसा भी इसका तरीका निकल कर आ रहा है। और फूड आइटम्स बना सकते हैं, पिज्जा प्रिंट कर सकते हैं, इवन ये सब भी चीज़ें हैं, मीट पेस्ट्रीज आदि आदि, इनको आप कुछ मशीनें हैं जिसमें आप इसकी प्रिंटिंग करके गिवन शेप एंड साइज का बना के दे सकते हो। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक ऑटोमोबाइल का पार्ट यहाँ दिखाया गया है, यहाँ एक मशीन का पार्ट दिखाया गया है, ये फिल्टर है, आप देखिए इसमें जाली कितनी बारीक बनी हुई है, ये 3D प्रिंटेड है। वैसे ही है ना, ये कूलिंग के लिए वेंट्स बने हुए हैं, वैसे एक मशीन का पार्ट यहाँ बना हुआ है। तो वैरायटी ऑफ पार्ट्स हैं, आप उसको जैसे ना आवश्यकता उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखिए कितने इस तरह के शेप्स हैं, डिजाइन हैं, जो कि आप कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बना सकते। ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, जैसे इस तरह की चीजें अगर आपको कन्वेंशनल मशीनिंग से बनानी हो, कैसे बनाएंगे? या आप शेप देख के समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है बनाने के लिए, बट इनको आप बना सकते हैं, 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं। रोजी जी का प्रश्न है कि इज इट कॉस्टली? नो, लेट मी से कि मैं अभी नोएडा में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। ग्रेटर नोएडा में मैं किसी व्यक्ति से मिलने गया था, तो उन्होंने अपने घर के एक्सटेंशन के रूप में फैक्ट्री शुरू किया, वहाँ 3D प्रिंटर वो बनाते हैं, और 45,000 40,000 के भी 3D प्रिंटर साथ मिलते हैं। तो 3D प्रिंटिंग में थोड़ा एक्यूरेसी की बात है, कितना एक्यूरेट आप बनाना चाहते हैं, बट अगर टॉयज आपको बनाने हैं, खिलौने बनाने हैं, बच्चों को खेलने के लिए सिखाने के लिए कुछ चीज़ बनानी है, तो 40 से 50 हज़ार के बीच में भी आप एक 3D प्रिंटर खरीद सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था यहाँ पे, BDS कर रहा था, बनारस का रहने वाला है, वहाँ उसने बनारस में जाकर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, 3D प्रिंटर खरीद लिया है और स्कैनर खरीद लिया है, और उससे वो प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है लोगों को। तो कॉस्ट आज कल ज़्यादा नहीं है, अगर आप FDM मशीन की बात करें, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो संजीव जी ने पूछा है कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिजाइनिंग 3D मॉडल्स, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न डिजाइनिंग, आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। तो आज के दिन मैं आपसे कहूंगा कि सॉफ्टवेयर सीखना तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीका हो गया है, यूट्यूब पे जाइए और आप सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट वर्जन आते हैं जिसको आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ लैब कराता हूँ 3D प्रिंटिंग के लिए और सॉलिड मॉडलिंग के लिए, तो हर साल एक नया बैच आता है, मैं उनके लॉगिन से, जो हम ऑफिशियल लॉगिन तो देते हैं, उस पर मैं उनको डाउनलोड करवाता हूँ ऑटोडेस्क फ्यूजन, जो ऑटोडेस्क की तरफ से बच्चों के लिए फ्री रहता है, फैकल्टी के लिए फ्री रहता है कि आप एक साल तक यूज करें विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। तो फ्यूजन पे वो 3D मॉडलिंग करते हैं, तो बस आप वहाँ साइट पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे। सीखने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप बस सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए यूट्यूब पे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सीखना है, और तमाम वीडियोज हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आज दिन मैं बताऊंगी टीचिंग का भी तरीका बदल गया, ऐसा नहीं कि मुझे बच्चों को पास बैठा कर माउस या हाथ पकड़ कर उनको सॉफ्टवेयर सिखाना होता है, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट उनको ट्रांसफर करता हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ, फिर बच्चों को मैं यूट्यूब के माध्यम से सीखने के लिए भी प्रमोट करता हूँ, खुद भी सिखाता हूँ। तो आज के दिन सीखना बहुत आसान काम हो गया है, आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप यूट्यूब के वीडियोज देख कर ये सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। 3D प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ये बात मैं भी करूंगा। शांतनु जी का है, व्हाट इज द टिपिकल करियर पाथ फॉर अ 3D प्रिंटिंग टेक्नीशियन, ऑल्सो आर देयर एनी स्पेसिफिक कंपनीज दैट आर हायरिंग सच टेक्नीशियंस इन लार्ज नंबर्स? तो करियर पाथ तो ये है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है, आप अपना कोई शॉप खोलना चाहें, जैसे आप देखेंगे कि हर मोहल्ले में कोई दुकान होती है जहाँ पे कि आप फोटोग्राफ्स प्रिंट कराते हैं, है ना, उसी तौर पे आप 3D प्रिंट करके भी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे विदेशों में प्रचलन में आ गया, धीरे धीरे हमारे देश में भी आएगा, कि हम लोग फैमिली के फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, चार लोग साथ में खड़े हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये भी था कि हम दुकान में गए चार लोग, और हमने एक 3D स्कैनर से अपनी स्कैनिंग कराई और उसको दे दिया, और 10 दिन बाद उसने हमें मैन्युफैक्चर करके हमारे पुतले बना के दे दिए, जिसको हमने घर में लगा दिया।
छोटा बच्चा है घर में, आपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, स्पाउस है बगल में, और आपने अपना 3D स्कैनिंग कराया और वो एक यादगार के रूप में रख दिया 3D प्रिंट करके, और कलरफुल 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसमें इस तरह करियर है कि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहें, आप कोई नया जॉब इसमें शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि किसी आप बड़े इंडस्ट्री में जाकर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी डिजाइन के आइटरेशन होने हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनने हैं, उन सब में यूज है, तभी 3D प्रिंटिंग का यूज करते हैं। फूड इंडस्ट्री में अभी ऐसा है कि बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रिंटिंग होती है। जैसे कि अगर आप फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग की अगर बात करें तो उसमें इतना ही होता है कि एक नोजल से मटेरियल को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट किया जाता है। तो आप जो भी आपका फूड आइटम को पिज्ज़ा बनाना है ना, पिज्ज़ा के ऊपर जो भी डिपॉजिशन होना है, तो अभी हम उसको मैनुअली करते होंगे, उसको आप चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो कस्टमर ने जैसा डिमांड रखा कि मुझे इसमें ये चीज़ें चाहिए इंग्रेडिएंट्स के रूप में ना, उसमें चीज़ आपने ऐड करके इसके ऊपर दे दी। इज मटेरियल इजीली अवेलेबल? यस। तो जनरली हम इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें बहुत सारे मटेरियल हैं इस बात के लिए यूज किया जा रहा है। तो मशीन भी आप बना सकते हैं और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी आपके सामने जैसे ज्वेलरी है ना, अब आज के दिन लोग इस तरह की ज्वेलरी पहनने लगे हैं, ये पॉलीमर्स के बने हुए ज्वेलरी, प्लास्टिक के कह लीजिए इसको लोग, ये रिस्ट बैंड के रूप में, ईयर रिंग्स के रूप में गले में पहनते हैं। तो इस तरह के सुंदर डिजाइन आप बना सकते हैं, घर में सजावट के लिए आप चीज़ें बना के दे सकते हैं। तो लोग की जैसे ऐसी इनकम बढ़ती जा रही है तो लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स को घर में खरीदने लगे। ये एक लैम्प है, लैम्प के चारों तरफ आपने इस तरह का सुंदर सा डिजाइन बना दिया है, घर में रखने के लिए कोई चीज़ आपने बना के रखी है। वैसे ही आप एसेंशियल मशीन पार्ट्स को देखें तो कई प्रकार के मशीन पार्ट्स बना सकते हैं, मेटल 3D प्रिंटिंग है ये, जैसे गियर्स हैं, स्प्लाइंस हैं, है ना, मेटल पार्ट्स हैं, एक्सपिलर्स हैं, इस तरह की चीज़ आप बना सकते हैं। यहाँ पे गियर बना हुआ है, तो डिजाइन ऑफ मेटल पार्ट्स विथ रिप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड ओपन पैसेजेस फॉर पार्ट पुलिंग। तो फिन्स हैं, ये फिन्स बने हुए पार्ट पुलिंग के लिए, आप देख सकते हैं फिन के अंदर भी कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है फॉर एफिशियंट पुलिंग, और इसमें आपने कॉस्ट भी कट कर लिया है। अगर आपको पूरा पूरा ये मेटल बनाना होता तो हेवी भी होता, कॉस्टली भी होता, आपने अपना मटेरियल भी सेव कर लिया है। 3D प्रिंटिंग हैज बीन यूज सक्सेसफुली टू मेक पार्ट्स ऑफ वेरियस साइजेस, आप देख सकते हैं छोटे छोटे साइज से लेकर बड़े से बड़े साइज तक के आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। जब ब्रिजेस बना सकते हैं, है ना, मकान बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये सुजुकी का आप देख सकते हैं कार का आगे का हिस्सा है, सुजुकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ। फिर यहाँ पे आप देखिए कितने बढ़िया नए तरह के डिजाइन हैं। आप एक बार नेट पे गूगल करेंगे आपको ढेर सारे डिजाइन्स मिलेंगे, और आज की इंफॉर्मेशन तो आसानी से इतना उपलब्ध है, आप गूगल करिए, चैट जीपीटी पे जाइए, आपको वैरायटी ऑफ आइडियाज इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप, वैरायटी ऑफ शेप, है ना, साइज ऑफ शेप, आप जिस तरह का यूज करना चाहें आप अपने अनुसार शूज बना सकते हैं, अपने अनुसार हाउस होल्ड अप्लायंसेज बना सकते हैं। अगर आपके पास एक 3D प्रिंटर घर पे है तो मान लीजिए आपके चेयर का कोई पार्ट टूट गया, है ना, आपने 3D प्रिंट किया उसको असेंबल कर दिया, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको लगता है मेरे मोबाइल का कवर ऐसा होना चाहिए, आपने 3D प्रिंट किया और बना दिया, मोबाइल का स्टैंड अपने अनुसार बना दिया, पेन स्टैंड अपने अनुसार बना दिया। तो एक 3D प्रिंटर अगर हम ले आते हैं तो बहुत महंगा नहीं पड़ेगा आपको, 50,000 तक का, और उसमें हमने थोड़ा सा मटेरियल ले लिया जो सस्ता ही आता है, और अपने घर की जरूरत की चीज़ें बना सकते हैं। सो अगर आप हिस्टोरिकली देखें कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो मैकेनाइजेशन शुरू हुआ लगभग 1770 के आसपास, फिर 20th सेंचुरी में देखें तो कंप्यूटर्स आ गए, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स आ गए, कमर्शियल लेजर आ गया, कमर्शियल रोबोट आ गया, फिर इंटरैक्टिव ट्रैफिक सिस्टम आ गया जहाँ से कैड की शुरुआत हुई। तो 1960s में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की शुरुआत हुई, जैसे कि उसमें कंप्यूटर ड्राफ्टिंग कहते थे इसको, और 1988 में पहला कमर्शियल आरपी सिस्टम बनकर तैयार हुआ, 3D प्रिंटर बनकर तैयार हुआ। तो अगर पहले देखें तो मैनुअली लोग चीज़ें बनाते थे, फिर उसके बाद वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग होने लगा, मतलब सॉफ्ट मॉडल्स बनाने लगे, अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग के थ्रू हार्डवेयर प्रोडक्ट बना के हम दे सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड फेज। फंडामेंटल्स में अगर थोड़ा जाए, आप लोगों का कितना इंटरेस्ट बनेगा आई एम नॉट श्योर,
from where we can get the Fusion 360 certificate. Okay, for that I think that we have to find out, जैसे हम लोग यूज करते हैं वो तो स्टूडेंट वर्जन होता है, अगर आपको ट्रेनिंग चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे कंपनीज हो सकते हैं जो ट्रेन करते हैं या कोचिंग सेंटर्स होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। बट आई से कि सर्टिफिकेट आपको किस से चाहिए थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको अपने लिए काम करना है तब तो फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और फ्यूजन पे आप एक बार आपने सीखना शुरू कर दिया, वेराइटी है उसमें, बहुत सारे डिजाइन आप बना सकते हैं, तो सर्टिफिकेट की जरूरत किस लिए है, किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो जरूरत पड़ेगी, अगर आपको खुद से स्टार्टअप चलाना है इसके लिए जरूरत नहीं है। सो अ मॉडल और कंपोनेंट, मॉडल और कंप्यूटर डिजाइन और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, द सॉलिड और सरफेस मॉडल टू बी बिल्ट इज नेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट डब्ड द एसटीएल फॉर्मेट। दी एसटीएल एक फाइल फॉर्मेट होता है जो 3D सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, कंपनी है अमेरिका की 3D सिस्टम, उसमें ये फॉर्मेट बनाते हैं, इसको स्टीडियो लिथोग्राफी कहते हैं। तो बेसिकली जो फाइल ट्रांसफर करते हैं आप 3D प्रिंटर में वो एसटीएल फॉर्मेट में होता है इन जनरल, बट आज के नए नए फॉर्मेट्स भी आ गए हैं। और फिर पहले तो ये सारी चीज़ें हम लोग को खुद करनी पड़ती थी, कंप्यूटर बैठ के उसकी स्लाइसिंग करेंगे और जो भी इंटरमीडिएट प्रोसेस है उसको करेंगे। अब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सीधे सीधे उसको प्रिंट कर, आप सिंपली अपना डिजाइन डालिए जो आपने फ्यूजन पे या किसी सॉफ्टवेयर बनाया है और 3D प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। तो चार पार्ट्स में इसको हम देख सकते हैं आरपी सिस्टम्स को। तो एक तो इनपुट, इनपुट क्या जाएगा, तो कैड मॉडल आप बनाएंगे, एसटीएल फाइल होती है, आईजीएस फाइल होती है, सीएलआई फाइल होती है, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो जैसे हमारे पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्कैनिंग करना चाहते हैं, जैसे हमने मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग का कॉपी बनाना है, तो हमने एक ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्य का ही हमने स्कैनिंग कर लिया और स्कैन करके हमें 3D मॉडल एक डेटा जनरेट किया, फिर हमने उसको कैड मॉडल बनाया, कैड मॉडल से हमने प्रिंटेबल फाइल बनाया और फिर वो मशीन में हम उस इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा कैसे कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। इनपुट डेटा जो होता है कैड मॉडल होता है ना, जैसे जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा था ये सारे पहले कैड में बनेंगे, कैड में बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रिंटिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, कैड मॉडल तैयार करना। फिर मटेरियल की बात अगर करें तो कई प्रकार के मटेरियल होते हैं, जैसे सॉलिड बेस्ड, लिक्विड बेस्ड एंड पाउडर बेस्ड, तीन तरह के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं 3D प्रिंटिंग के। तो मटेरियल में अगर हम सॉलिड बेस्ड की बात करें, जो सबसे सस्ती मशीनें हैं, आसानी से आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, वो सॉलिड बेस्ड है। जैसे FDM मशीन है उसमें आप यूज़ करते हैं वायर है, वैसे पेलेट्स छोटे छोटे गोलियाँ यूज़ कर सकते हैं, लैमिनेट्स मतलब शीट्स यू आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे A4 शीट्स होते हैं वैसे आप पॉलीमर के शीट्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पाउडर, फाइन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा लिक्विड, तो सॉलिड पाउडर एंड लिक्विड, पाउडर बेसिकली सॉलिड ही होता है परंतु लैमिनेट्स को, पेलेट्स को, वायर को हम लोग भी यहाँ सॉलिड में काउंट कर रहे हैं। मेटल ग्रुप में जैसे पेपर है, रेजिन्स हैं, नायलॉन्स हैं, ABS, ABS का मतलब होता है एक्राइलो ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ये एक मटेरियल जो सबसे ईजिली अवेलेबल होता है, अभी आजकल PLA भी यूज़ करते हैं बट ABS पहले से यूज होता रहा है। जो मेटल की कीमत एक साथ ही पूछ रहे थे तो ABS आप यूज़ कर सकते हैं, वैक्स को यूज़ करते हैं है ना, मेटल्स यूज़ करते हैं, सिरामिक्स यूज़ करते हैं, हर तरह का पदार्थ आप यूज़ कर सकते हैं। अप्लीकेशन देखें तो डिजाइनिंग में है, इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूलिंग के लिए है। इंडस्ट्री की बात करें तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी यूज है, एरोस्पेस में अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ पे हल्के और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, तो मास मैन्युफैक्चरिंग तो करना नहीं है, लिमिटेड एरोप्लेन्स बनाने हैं आपको, एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा अप्लीकेशन है। ऑटोमोटिव यानी कार्स, जीप्स, बसेस, ट्रक्स बनाने आपको, तो उस इंडस्ट्री में काफ़ी यूज है। जैसे आप देखें कि हर कंपनी हर साल अपने मॉडल में थोड़ा सा चेंज ले आती है लुक्स में, तो मारुति ऑल्टो ही है, अगर पिछले 20 साल के आप मारुति ऑल्टो को डिज़ाइन को देखेंगे तो लगभग हर साल उसका डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा बदला है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर बैठ के नए सिरे से बिल्कुल डिजाइनिंग करेंगे, तो हम एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में थोड़ा चेंज ले आते हैं और जो चेंज लाते हैं उसको हम पहले बनाकर, जैसे आपने अभी देखा था कि कैसे सुजुकी कंपनी ने अपना फ्रंट पोर्शन जो है कार का कैसे डिजाइन मॉडिफाई करके प्रिंट किया था, तो हम प्रिंट करते हैं, असेंबल करते हैं, देखते हैं अब कार कैसी दिख रही है, ठीक है, तो उसका लुक्स कैसे आ रहे हैं, कंपेटिबिलिटी कैसा है दूसरे पार्ट्स के साथ, उसको असेंबल करने में आसानी हो रही है नहीं, खोलने में आसानी हो रही है नहीं, क्या करना है। बायोमेडिकल, तो जैसे प्रोस्थेटिक्स है, कोई शरीर का अंग भंग हो गया है या बिगड़ गया उसमें आपको लगाना है,
ऑर्थोटिक्स है, हाथ पांव को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई पार्ट लगाना है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, घर के सामान हो सकते हैं, ये हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मेथड्स में देखें तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसको मैं ब्रीफली बात करता हूँ। जैसे फोटो क्योरिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लिक्विड बेस्ड जब प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो हम लाइट की मदद से क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग मतलब सॉल्टिफिकेशन करते हैं। वैसे कटिंग एंड ग्लूइंग ज्वाइनिंग होता है ना, मेल्टिंग एंड सॉल्टिफाइंग फ्यूजिंग। तो जैसे सॉलिड बेस में 3D प्रिंटर की बात कर रहा था, उसमें जो मेथड यूज होता है वो मेल्टिंग एंड सॉल्टिफाइंग का फ्यूजिंग का होता है। ज्वाइनिंग एंड बाइंडिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप लैमिना पे लैमिना जोड़ते जाइए। तो ये चार चीज़ें समझने के लिए, इनपुट क्या क्या होंगे, मेटेरियल कौन कौन सी होंगे, एप्लीकेशंस क्या हैं और मेथड्स क्या है। इज दैट क्लियर? यू कैन राइट येस और नो, आप येस या नो लिख सकते हैं अपने रिस्पॉन्स के रूप में चैट बॉक्स में। बेनिफिट्स की हमने बात बताई ही है ना, अब इसके और डिटेल में नहीं जाते हैं। इसका कई नाम है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, लेयर मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल डिपॉजिट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल एडिशन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इंक्रेस मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड फ्री फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड फ्री फॉर्म फैब्रिकेशन, कई प्रकार के नाम है इसके। अब अगर प्रोसेस की बात करें, जो एक साथी पूछ रहे थे कि कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, लिक्विड बेस्ड, सॉलिड बेस्ड एंड पाउडर बेस्ड। तब तक मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ वीडियोज में दिखाता हूँ आपको, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को स्कैन करके उसका रेप्लिका बनाना है, कैसे बना सकते हैं। आप देखेंगे एक हैंड हेल्ड स्कैनर है ये, और एक व्यक्ति का स्कैनिंग किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसा ह्यूमन बीइंग है, जैसा मनुष्य है, बिल्कुल वैसा स्कैन करके हमने उनका 3D डेटा जनरेट कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमें जो मिला है इसको कहते हैं पॉइंट क्लाउड डेटा। पॉइंट क्लाउड डेटा का मतलब क्या हुआ कि पूरे शरीर पर कई बिंदु हमने स्कैन करके रख लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें सरफेस फिटिंग करते हैं। तो सरफेस फिटिंग में क्या होता है कि सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, ट्रायंगल्स बना के मिलाते हैं, जिसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन या टेसिलेशन। तो ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगल्स बनाते हैं पूरे बॉडी को, हम कई पॉइंट्स को आपस में जोड़कर, मतलब सारे पॉइंट्स को आपस में ट्रायंगल से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि हम उसका स्लाइसिंग करने के लिए है ना कंटूर्स बनाते हैं। तो कंटूर बनाए थे, फिर उसको तो मशीन में ले जाते हैं और उसको प्रिंटिंग करते हैं। तो बेसिकली आपको ये सारे काम आज के दिन सॉफ्टवेयर ही कर देता है। तो आप बस पॉइंट क्लाउड डेटा लेंगे और उसको फीड करेंगे, बाकी मशीन अपने आप करेगा, ट्रायंगुलेशन भी करेगा, उसका कंटूर भी जनरेट करेगा, उसकी प्रिंटिंग आगे करेगा। अब इसको लेकर प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं इसमें। जैसे कंपनी है वो इसको यूज करती है, जैसे आज के दिन हम फोटोग्राफ्स लेते हैं, 2D इमेज बनाते हैं है ना, वैसे आप 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो पूरी फैमिली का जैसा मैं जिक्र कर रहा था आपसे, हम ऐसे 3D प्रिंटेड शेप्स बना सकते हैं। कई बार मॉल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ लोग मॉल में रहते हैं जो आपके स्केचेज बनाते हैं, या आपको फोटो खींच कर उसको स्केच में कन्वर्ट करके देते हैं है ना।
तो लोग का शौक होता है कि परिवार के साथ इस स्केच को बनाएं, या हम जाते हैं और शॉप्स में परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अब ऐसे ही परिवार के साथ हम पुतले बना के ले सकते हैं ना, और इसको हम अपने मेमोरी के लिए रख सकते हैं, याद के लिए रख सकते हैं कि हमको याद रहे छोटा बच्चा था, गोद में लिए थे, पूरा परिवार साथ कैसा दिख रहा था। जैसा आपका एक्सप्रेशन है बिल्कुल वैसा आप प्रोडक्ट बनकर आपको मिल जाएगा। शरण जी का प्रश्न है, वुड यू लाइक टू रेफर अस प्लेस टू बाय मशीन एंड मेटेरियल्स? तो ऐसे मैं किसी वेंडर को तो अभी तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आप इसे गूगल करिए, आपके आसपास बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे। दिल्ली में तो कई सारे वेंडर्स हैं, और जस्ट डायल पे जाएंगे तो भी आपको मिलेंगे वेंडर्स। यहाँ से आप मशीन भी खरीद सकते हैं, मटेरियल भी खरीद सकते हैं। करण जी, तो आप जस्ट डायल पे जाएं, गूगल करें, आपको वेंडर्स की पूरी लिस्ट मिलेगी, और आप आएंगे जहां भी आप रहते हैं आसपास ही बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाएंगे जो ऐसे एफडीएम के मशीन से बनाते हैं और बेचते हैं। आज के दिन वो कॉमन प्लेस जैसा होता जा रहा है। तो मैंने एप्लीकेशंस की बात बताई, कैसे इसमें मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। तो ब्रॉडली देखें तो तीन तरह के टेक्नोलॉजी इसमें यूज होते हैं, एक है लिक्विड बेस्ड, एक है सॉलिड बेस्ड, एक है पाउडर बेस्ड। लेकिन सबसे सस्ती मशीन जो आती है आज के दिन, जो हमें बहुत ही हैंडी है, वो सॉलिड बेस्ड है। जैसे अगर आप में से कोई आसपास हो और हमारे यहाँ देखना चाहें, तो हमारे यहाँ 3D प्रिंटर लगा हुआ है, FDM डिपोजिशन मॉडलिंग, वो सॉलिड बेस्ड है। लिक्विड बेस्ड में जो मेटेरियल रॉ मेटेरियल होता है वो लिक्विड होता है, बेसिकली रेजिन होता है, पॉलीमर होता है, लिक्विड पॉलीमर, और उसको हम फोटो क्योरिंग करते हैं। फोटो क्योरिंग लाइट की मदद से उसको हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं, जिससे वो हमें प्रोडक्ट बन के मिल जाता है। सॉलिड बेस्ड में हम ये जो यूज कर रहे हैं FDM में, वो वायर है, तो वायर एक स्पूल ऑफ वायर होता है जिसको हम फीड करते हैं। वो वायर को लगभग आधे मिलीमीटर से थोड़ा सा मोटा रहता है, और उसको हम जब उसमें फीड करते हैं तो बहुत ही बारीक कुछ माइक्रॉन्स की पतली लेयर निकालता है वो, और लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे आपने जलेबी बनते हुआ देखा होगा, तो जलेबी कैसे बनता है ठीक वैसे आप मान लें कि वो जलेबी एक 2D सरफेस से बनता है, इसमें हम 3D में बना रहे हैं, तो लेयर बाय लेयर उसको हम डिपॉजिट करते जा रहे हैं। पर पाउडर बेस में क्या होता है, पाउडर हमारे पास रॉ मेटेरियल के रूप में रहता है, उसमें हम लाइट डालते हैं, लेजर, मेनली लेजर डालते हैं, लेजर बीम से उसकी गर्मी गर्म करते हैं, और फिर उसमें हम उसको फ्यूजन कराते हैं, और उसको प्रोसेस को सिंटरिंग कहते हैं। तो सिंटर करके आपस में चिपक जाते हैं, है ना, फिर आगे भी और एक बार हम सिंटरिंग कराते हैं उसके, उसके हमको फिनिश्ड गुड्स जो मिलता है बहुत हाई स्ट्रेंथ का मिलता है। तो लिक्विड बेस में देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे 3D सिस्टम 3D प्रिंटिंग के लिए सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है, अमेरिका की है, और उसने SLA अपरेटस एक बनाया था, स्टीरियो लिथोग्राफी अपरेटस। तो ये जो स्टील फाइल है बेसिकली इसी मशीन पे जब वो फाइल अप्लाई की गई तो इसलिए उसका नाम स्टील फाइल पड़ गया। क्यूबिटल एक दूसरी कंपनी है सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग करती, तो मैं अभी स्टॉक में मेयरली एक एक प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, वेरायटी ऑफ प्रोसेस है। पॉलीजेट 3D प्रिंटिंग है, सोनी का सॉलिड क्रिएशन सिस्टम है, सीमेंट का सॉलिड ऑब्जेक्ट अल्ट्रावायलेट लेजर प्रिंटर है, सूप कहते हैं, ऑटो स्ट्रेट्स का ई डार्ट्स है, टीजिन सिक्कीज का सॉलिफॉर्म सिस्टम है, मीकोज रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर ज्वेलरी के लिए, टेंकन SLP है, मित्सुई पोलाम है, पॉकेलैन सॉर्ट्स का मशीन है, लाइट स्कल्पिंग है, आरओ फ्लेक्स है, रैपिड फ्रीज है, टू लेजर बीम्स है, और माइक्रो फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि आपसे बहुत ही छोटे माइक्रॉन के लेवल पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए बायोमेडिकल एप्लीकेशन की बात है, आज के दिन ऐसे ऐसे मशीनें भी बनाई जा रही है, जैसे मान लीजिए बॉडी में इंसुलिन का इंजेक्शन होना है बार बार, तो क्या हम 3D प्रिंट करके छोटा सा मशीन बना के बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं क्या, जो बॉडी के साथ कंपेटिबल हो? क्वाइट पॉसिबल। तो छोटे छोटे मशीन बनाकर हम बॉडी में इंजेक्ट करके या पार्ट्स बना के लगा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। आर्टिफिशियल टूथ लगाना है आपको, दांत की हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेप है बिल्कुल उसके तरीके से, और वैसा हम 3D प्रिंट करके दे सकते हैं, मेटेरियल इतना स्ट्रांग हो कि दांत की तरह काम करे। तो ऐसे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सॉलिड बेस्ड की अगर बात करें तो मेनली जो प्रोसेस यूज होता है वो FDM इंडिया में ज़्यादा यूज होता है। वैसे क्यूबिक टेक्नोलॉजीज है, इसका लॉन्ग प्रोसेस है, जो FDM है इसका है। देन कीरा कॉरपोरेशन का पेपर लैमिनेशन लैमिनेशन टेक्नोलॉजी है, PLT। 3D सिस्टम्स का ही MJM है, मल्टी जेट मॉडलिंग सिस्टम। सॉलिड स्केप का मॉडल मेकर एंड पैटर्न मास्टर है। बीजिंग इनहुआज स्लाइसिंग सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग SSM,
या मेल्टेड एक्सक्लूजन मैन्युफैक्चरिंग, मेल्टेड एक्सक्लूजन मॉडलिंग MEM, या मल्टी फंक्शनल RPM, ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं जो आते हैं। तो अगर ऐसे देखेंगे तो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ लॉम में क्या होता है कि लेयर बाय लेयर हम कागज को, जैसे कागज होता है ना, अगर आप ऐसा सोचें कि हमें कागज के ऊपर कागज चिपकाना है और जब भी हम एक नया लेयर चिपका रहे हैं उसका एक नया शेप देकर चिपका रहे हैं, तो धीरे धीरे कागज को चिपकाते चिपकाते हम एक पूरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ये क्या कहते हैं, लैमिना जो पॉलीमर्स होते हैं उसको आपस में चिपकाते हैं, कट करते हैं, उसको चिपकाते हुए बनाते हैं। तो लॉम में हम लैमिना यूज करते हैं, यानी कि शीट्स यूज करते हैं, पॉलीमर शीट्स। FDM में हम वायर्स यूज करते हैं, तो मेनली शीट या वायर दो चीजें यूज होती हैं। ऐसे कैम लेम्स CL100 NX कॉर्पोरेशन का ऑफसेट फाइबर्स है। तो टू मेथड्स आर पॉसिबल फॉर सॉलिड बेस्ड आरपी सिस्टम्स। आरपी सिस्टम 1, 3 और 4 बिलोंग टू कटिंग एंड ग्लूइंग या ज्वाइनिंग। जैसे लैमिना का हमने आपको केस बताया, उसमें हम लैमिना को कट करते हैं, आपस में चिपका देते हैं, उस समय प्रोडक्ट बनता है। और मेल्टिंग एंड सॉलिडिफाइंग में देखें तो जो FDM की मैं बात कर रहा था वो है, और जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग तरीके हैं वो सब सॉलिडिफाई करते हैं और फ्यूजिंग करते हैं। पाउडर बेस्ड में अगर देखें आप तो 3D सिस्टम्स का सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो सबसे पुराना और सबसे वेल डेवलप्ड मशीन है, SLS, ये भी 3D सिस्टम का ही है। EOS का EOSIN सिस्टम है। जेट कॉर्पोरेशन का 3D प्रिंटिंग, ये भी एक बड़ी कंपनी है जेट कॉर्पोरेशन, और इसका भी बड़ा एक मार्केट शेयर है। ऑप्टोमैक्स लेजर इंजीनियर नेट शेपिंग लेंस। सॉलिजेंस डायरेक्ट शेल प्रोडक्शन कास्टिंग DSPC। फ्राउनहोफर्स मल्टीजेट जेट सॉलिडिफिकेशन MJS। वैसी आरकैम्स इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन बीम को भी हम यूज कर सकते हैं किसी चीज को मेल्ट कराने के लिए, उससे फिर हम फ्यूजन करा सकते हैं। एरोमेट कॉर्पोरेशन लैस फॉर्म टेक्नोलॉजी। प्रिसीजन ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट मेटल डिपोजिशन DMD, ये मेटल प्रिंटिंग है, जिससे मेटल के हम पैटर्न बना सकते हैं, कास्टिंग के लिए हम टूल्स बना सकते हैं। जेनरिस RP सिस्टम्स, हेरिक्स फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी, एक्सट्रूड होन्स प्रो मेटल 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, ये ढेर सारे पाउडर बेस्ड प्रोसेस हैं। फंडामेंटली देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चार तरह के होते हैं, सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव, फॉर्मेटिव एंड ज्वाइनिंग। अगर आपसे कोई पूछे और आप भले इंजीनियरिंग नहीं जानते हो, कोई पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग कितने तरीके का होता है, तो चार नाम ले लीजिए। सब्ट्रैक्टिव मतलब घटाना, तो कोई मटेरियल एग्जिस्ट करा उसको हम घटाते हैं, मिलिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, प्लेनिंग करते हैं, सॉइंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, लेजर कटिंग करते हैं, वाटर कटिंग करते हैं, EDM करते हैं, क्या करते हैं हम, जो एग्जिस्टिंग है लोहा का टुकड़ा है उसको कट करके हम कुछ बना रहे हैं। जो मैंने अभी आपसे बात की 3D प्रिंटिंग, वो एडिटिव प्रोसेस है, इसमें हम कट नहीं कर रहे हैं, जोड़ते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे जलेबी बनाने की बात कर रहा हूँ, जलेबी में क्या होता है, लेयर बाई लेयर जोड़ते 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 हमने पूरी जलेबी बना दी, वैसी लेयर बाई लेयर इसको ऐड करते करते हमने पूरा प्रोडक्ट बना दिया, ये एडिटिव प्रोसेस है। 3D प्रिंटिंग एडिटिव है, मशीनिंग सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस है, मटेरियल रिमूवल होता है। वैसी फॉर्मेटिव की अगर बात करें तो उसमें कास्टिंग है, बेंडिंग है, फॉर्जिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग है, जितने कास्टिंग के, बेंडिंग के, फॉर्जिंग के मेथड्स हैं, जिसमें हम उसको ना तो मेटल काटते हैं ना उसको जोड़ते हैं, बल्कि उसी को हाई टेम्परेचर पे हम अलग अलग तरह का शेप देते हैं। ड्राइंग है, एक्सट्रूजन है, इस तरह के जो प्रोसेस हैं, दिस इंक्लूड बोथ बेंडिंग ऑफ शीट मटेरियल्स एंड मोल्डिंग ऑफ मोल्टेन और क्यूरेबल लिक्विड्स। फिर ज्वाइनिंग है, जैसे वेल्डिंग, सोल्डरिंग, मैकेनिकल फास्टनिंग। मैकेनिकल फास्टनिंग मतलब क्या, नट बोल्ट से जोड़ देना, ग्लू से चिपका देना, है ना, इस तरह की चीजें ज्वाइनिंग। तो क्या क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव, फॉर्मेटिव एंड ज्वाइनिंग, चार तरह के प्रोसेस। हम लोग बात करें एडिटिव की, तो वही सब्ट्रैक्टिव मतलब कट करके हमने कुछ बना दिया, जोड़ के बना दिया, या हमने उसको हाई टेम्परेचर पर प्रेस करके, पुल करके, ट्विस्ट करके कुछ बना दिया, तो फॉर्मेटिव प्रोसेस हो गया। अगर पूरे प्रोसेस चेन को देखें तो 5 स्टेप्स हैं इसमें। पहले तो हमारा 3D मॉडलिंग होगा, जो प्रोडक्ट हमको बनाना है उसके मॉडलिंग करेंगे, 3D मॉडलिंग, है ना। फिर हमने उसको डेटा ट्रांसमिशन किया, हम उसको एक ऐसे मशीन पे ले गए जहाँ उसका डेटा चेक होता है। अब आज के दिन एक ही सॉफ्टवेयर दोनों काम भी कर लेता है, इसका चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग का काम भी कर लेता है। फिर एक्चुअली हम मशीन पे ले गए और जहाँ पे हमने उसके बिल्डिंग का काम किया, यानी कि RP की मशीन लगी हुई है और उस पर हमने उसको प्रोडक्ट बनाया। अब उसके बाद एक बार ये बन गया, बट आप पाएंगे बनने के साथ साथ में कई सारी चीज़ें होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, इसको हटाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड बेस्ड प्रिंटिंग की बात करें, तो हमने बनाया तो लिक्विड को सॉलिड के रूप में, है ना, लेजर की मदद से, बट कहीं कहीं लिक्विड के पॉकेट्स रह गए,
पूरी तरह सॉलिडिफाई नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, दोबारा हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग मतलब उसको वापस थोड़ा पिघला कर फिर हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करते हैं। कहीं कहीं पे अगर हमें लगता है कि सफाई नहीं है सरफेस के ऊपर तो क्लीनिंग करते हैं, केमिकली भी हम क्लीनिंग कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हमें एक स्टैचू बनाना है और कोई स्टैचू में जिन बंदा है उसका हाथ बाहर क्यों निकला हुआ है, तो हाथ को सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, उसमें सपोर्ट देते हैं, सीढ़ी नुमा सपोर्ट देते हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, सॉलिडिफाई हो गया, अब हाथ नीचे झुकेगा गिरेगा नहीं, तो स्कैफोल्डिंग को तोड़ के हटा देते हैं। तो ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये चार पाँच स्टेप्स हो गया, आप मॉडलिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद आप डेटा ट्रांसमिशन करेंगे, फिर उसकी चेकिंग प्रिपेयरिंग करेंगे, वापस बिल्डिंग करेंगे, और फिर फाइनली उसके हम क्लीनिंग करके और जो भी अननेसेसरी चीज़ें हटाकर उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। ये क्लियर है, इज दैट क्लियर? तो ये पांच चीज़ें हैं, 3D मॉडलिंग, डेटा कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन, चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग, बिल्डिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। ये पांच स्टेप्स में सारा काम होता है। चार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको होता है एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव, फॉर्मेटिव एंड ज्वाइनिंग। और पांच स्टेप्स आपके एडिटिव में है, 3D मॉडलिंग, डेटा ट्रांसमिशन, कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन, चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग, बिल्डिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। तो अब देखें सॉइल मॉडलिंग कैसे करते हैं, या फिर हम मॉडलिंग कैसे करते हैं, सॉफ्ट मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो उसमें तीन तरीके होते हैं, वायरफ्रेम मॉडलिंग करते हैं, या सरफेस मॉडलिंग करते हैं, या सॉइल मॉडलिंग करते हैं। अब इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। वायरफ्रेम का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऐसा दिखता है जैसे तार की जालियों से बना हुआ। तो एक ही प्रोडक्ट का हम डिफरेंट व्यूज ले सकते हैं, सॉइल व्यू भी ले सकते हैं, सर्फेस व्यू भी ले सकते हैं, और वायरफ्रेम व्यू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अब एक माउस पे एक सर्फेस मॉडल बना हुआ है, ऐसे ही हमने एक सॉइल मॉडल यहाँ बनाया हुआ है। आप इसके विस्तार में नहीं जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक 3D मॉडल हमने बनाया सॉफ्टवेयर में, उसके हमने STL फाइल बनाई। STL फाइल में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ट्राइंगल्स हैं बहुत सारे, है ना, तो ये बहुत सारे ट्राइंगल्स का समूह है इसमें। फिर हम उसको स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर पर ले गए, और उसका हमें स्लाइसिंग जब कर दी तो वेरियस लेयर्स बन गए, यानी वेरियस हाइट्स पे कंटूर कैसे कैसे दिखाई देंगे हमको वो दिख रहा है। इसमें हम जी कोड का प्रयोग करते हैं, तो मशीन अपने आप करता है। ऐसे टूल पाथ मिलता है, यानी प्रिंटिंग होगी तो कैसे होगी वो हमको दिखाई देता है। फिर 3D प्रिंटर पे ले गए और 3D ऑब्जेक्ट बन के हमारे हाथ में आ गया, है ना। स्लाइसर सॉफ्टवेयर को देखें तो ये CAD मॉडल है हमारा, उसको STL फाइल बनाई, टूल पाथ दिया हमने, 3D प्रिंटर पे गया और ये फाइनली प्रोजेक्ट आ गया। तो स्लाइसिंग हो रही है। अब आपको दिखेगा ना, इसमें आप सॉफ्टवेयर में जाके देख सकते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा तो कैसे कैसे बनेगा। पहले क्या, जैसे यहाँ पे लेयर बाय लेयर देखें तो पहले इतना डिपॉजिट हुआ, फिर ऊपर डिपॉजिट हुआ, फिर और डिपॉजिट हुआ, करते करते अंत में पूरा हमने बना लिया। तो बिल्डिंग का फेज है, यानी एक्चुअली बनाते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया क्लीनिंग करते हैं, पोस्ट क्योरिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, स्कैफोल्डिंग हमने बना लिया उसको हटाते हैं, कहीं कहीं पे हम उसमें ज्वाइनिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, टैपिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे, ये सब कर सकते हैं। अब लिक्विड बेस्ड की बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं लिक्विड बेस्ड का। तो जैसे ये SLA है, 3D सिस्टम्स का स्टील लिथोग्राफी अपरेटस है SLA। इस फायदे क्या क्या हैं, राउंड द क्लॉक ऑपरेशन, रात भर दिन भर चलाइए। जैसे मैंने आपको बताया, शाम को आपने डिजाइन डाल दी, 3D मॉडल बना के प्रिपेयर करके हमने मशीन में डाल दिया, हम घर चले गए, हम आराम से सो रहे हैं 8 घंटे, सुबह ही हमने प्रोडक्ट ले लिया, मशीन अपना काम कर रहा था, ना किसी को पास में खड़े रख के देखने की जरूरत नहीं, इसमें कोई बीच में इंटरवेंशन नहीं है। यूजर सपोर्ट अच्छा है ना, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग है सारा। बिल्ड वॉल्यूम्स बड़े हैं, मतलब आप बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इसमें। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है। लिक्विड बेस में अच्छा फायदा है, जैसे आपने माउस देखा था अभी ना, ये जो आपने माउस अभी देखा था, ये आप देख सकते कितनी अच्छी सरफेस फिनिश आ सकती है, ऐसी आ सकती है। तो अगर आप लिक्विड बेस्ड प्रोसेस में जाएंगे तो आप बिल्कुल स्मूथ माउस बना सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि मेरा माउस जो है ये थोड़ा सा नया डिजाइन होना चाहिए, ये ठीक से मेरी उंगलियों में बैठता नहीं है, तो मैंने अपने लिए एक नया माउस प्रिंट करके मैन्युफैक्चर कर लिया अपने लिए। तो वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं, पॉलीमर है ना, कई तरह के पॉलीमर आप यूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिक्विड बेस्ड है, तो मान लीजिए कोई ओवरहैंग है किसी प्रोडक्ट में, उसको नीचे सपोर्ट देना पड़ेगा, स्कैफोल्डिंग बनानी पड़ेगी, पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर लिक्विड कहीं अंदर फंस गया तो आपको उसको निकालना होगा या क्योरिंग करनी होगी, पोस्ट क्योरिंग की जरूरत पड़ती है। मैं आपको इसका ये मेथड है बेसिकली, बट मैं आप उसको दिखाऊंगा वीडियो है,
तो अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, यहाँ लेजर बीम है, ये रेजिन लिक्विड रेजिन भरा हुआ है, ये वैट मतलब बर्तन है, एक एलिवेटर है। अब हमारा मॉडल का डिजाइन फिट किया हुआ है कंप्यूटर में, वो क्या करता है कि उसके अनुसार वो लेजर बीम को गाइड करता है, लेजर बीम जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ वहाँ लिक्विड रेजिन सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर एक बार एक लेयर बन गया, फिर ये एलिवेटर जो है उसको नीचे झुका देगा और उसके ऊपर फिर वापस रेजिन फैला देगा, फिर वो लेजर आएगा फिर सॉलिडिफाई करेगा, करते करते पूरा प्रोडक्ट बन के बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो ये मैंने आपको SLA के बारे में बताया, अब इसके जो इंजीनियरिंग के कॉम कॉन्सेप्ट है उस पर भी नहीं जाते हैं, ये पॉलीमराइजेशन कैसे होता है ये बात होती है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दिखाए गए, आप ऐसे गूगल करेंगे तो बहुत सारी और चीज़ें इसमें मिलेंगी। कलरफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, कई कलर्स के बना सकते हैं। एक दूसरा प्रोसेस है SGC, तो ये बेसिकली लैमिना यूज़ करता है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो आप आएंगे कि जैसे एक लैमिना है हमारे पास, हमने उसके ऊपर से लाइट पास किया, जितनी देर में जितनी दूर में लाइट गया उतनी दूर में ये सॉलिडिफाई हो गया, और फिर हमने इसको क्योर करके रख लिया, इसको मशीनिंग करके सरफेस स्मूथ कर लिया, और फिर हमने इसके ऊपर रेजिन का चिपकाया, और फिर रेजिन को हमने फिर क्योरिंग किया एंड सो ऑन। तो यहाँ एक मास्क लगा हुआ है, इस मास्क से लाइट पास हो रहा है और जितनी दूरी में लाइट जा रहा है उतनी दूर में यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। और हम हर बार रेजिन का एक नया लेयर चिप इसके ऊपर लगा देते हैं और फिर उसके हम क्योरिंग कर देते हैं। ये लेयर बाय लेयर हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है। अब इसके डिटेल में नहीं जाते, इसका कम पॉपुलर मेथड है, बट ये भी एक मेथड है जिसमें लिक्विड रेजिन यूज़ कर रहे हैं, इसको लिक्विड बेस्ड कहते हैं। अब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। सॉलिड वेस्ट में जो एक मेथड पॉपुलर है वो LOM है, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली जैसे लैमिना है और
लगभग उसी तरह से काम करता है, बट इसमें लैमिना को कट करते जाते हैं, मशीनिंग करते जाते हैं, बॉन्डिंग करते, चिपकाते, फिर इसे कटिंग करते हैं। तो जैसे लैमिना को हमने डाला, ऊपर CO2 लेजर की मदद से इसको कट कर दिया, इसको फिर हमने ग्लू चिपका दिया, फिर नया हमने शेप लगाया, फिर इसको हमने कट करके निकाल दिया। तो नया लेयर बनाया बॉन्डिंग की, कटिंग की, नया लेयर लगाया बॉन्डिंग की, कटिंग की, इस तरह से हमारा नया प्रोडक्ट बनता चला जाता है। और फिर आप देखेंगे कि ये लैमिना जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसके बीच में कहीं फंसा हुआ है प्रोडक्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, चीजल लेकर इसको हम काट करके निकाल लेते हैं, और हम अल्टीमेटली ये जो कॉम्प्लेक्स शेप है हमने बना लिया था और लॉन्ग मेथड से बना हुआ है। बट ये थोड़ा कम पॉपुलर है, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, FDM मशीन, FDM स्ट्रैटेसिस का। शुरुआत में अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया में जब ये मशीन पहली बार आती थी तो इसकी कीमत 50 लाख के ऊपर हुआ करती थी। आज की दिन महंगी मशीनें हैं, बट सस्ते वर्जन बहुत सारे आ गए हैं। तो जहाँ बहुत एक्यूरेसी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वहाँ तो महंगी मशीन यूज़ करते हैं। बट यदि घर घर में, मैंने जैसे बताया कि आपको सिंपल चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए आप सस्ती मशीनें भी यूज़ कर सकते हैं, 40-50 हज़ार तक की मशीनें यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रोसेस को मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो आपने देखा होगा कैसे वायर की मदद से लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं सॉलिड बेस्ड मेथड में, जिसको FDM कहते हैं, फिल्म डिपोजिशन मॉडलिंग। अब पाउडर बेस पे अगर चले तो उसमें जो सबसे पॉपुलर है सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग है। तो इसमें क्या होता है, पाउडर यूज करते हैं। तो जो पहला हमने देखा लिक्विड बेस्ड, उसमें हम लिक्विड रेजिन यूज करते थे। जो दूसरा हमने देखा सॉलिड बेस्ड, उसमें हम वायर या लैमिना यूज करते हैं। अब तीसरे वाले में हम इसमें पाउडर यूज करते हैं। तो जैसे है ना, इसमें जो मेनली मेथड है वो सिंटरिंग कहलाता है। तो प्रोडक्ट्स के नाम भी वैसे सिंटर स्टेशन 2000 2500 2000 प्लस। अब ये जो डेटा वो है जो बुक्स में आया है, बता पाएंगे कि इंडस्ट्रीज बहुत सारे ऑनलाइन मशीनें बनाती जा रही है, टेक्नोलॉजी लगभग सेम है। तो इसमें है कि गुड पार्ट स्टेबिलिटी है ना, वाइड रेंज ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल्स, बहुत तरह के पाउडर ऑफ पॉलीमर की यूज कर सकते हैं। इसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि पाउडर है। मान लीजिए जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरा हाथ अगर ओवर हैंग है, तो नीचे सपोर्ट करने के लिए पाउडर का पूरा ढेर है,
उसको अलग से आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, इसमें जो इसका फोल्डिंग बनानी है या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं रह जाती है। पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत कम जरूरत पड़ता है, पोस्ट क्योरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं है, पाउडर है मेयरली, सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा है। इसमें डिसएडवांटेज यह है कि जो मशीन आती है, क्योंकि सिंटरिंग की मशीन है, बड़ी सी मशीन आती है और सिंटरिंग हाई टेम्परेचर पे होता है तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं जितनी लिक्विड बेस में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मशीन कैसे काम करती है, एसएलएस की ये मशीन है, मैं दिखाता हूँ कैसे काम करती है। तो ये एसएलएस प्रोसेस था, है ना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बात की। बेसिकली इसमें CO2 लेजर यूज करते हैं क्योंकि CO2 लेजर के स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ज्यादा हीट पैदा करता है, तो पाउडर को मेल्ट करके आपस में बॉन्डिंग कराने में इसका अच्छा काम होता है, सिंटरिंग बॉन्डिंग कहते हैं इसको। तो इसका एप्लीकेशन में बात की, तो ये आपने अगर देखा ओवरऑल, तो हमने आपसे संक्षेप में इस पे बात की कितने तरह के 3D प्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात की। अब आप देखें तो पूरा रेंज है, मेरे पास जो PPT है उसमें करीब 20 तरह के प्रोसेस की जानकारी है। तो आपके काम के लिए अगर हम देखें तो इतनी बातें थी, तो हमने आपको बताया कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है, हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात किया कि 4 तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, है ना, सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव, फॉर्मेटिव एंड जॉइनिंग। उसमें ये जो है एडिटिव प्रोसेस है। फिर हमने आपको बताया कि 3D प्रिंटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स की हमने आपसे बात की थी, कि हमने बात की थी कितने तरह के 3D प्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? अभी जो आपसे डिस्कशन किया तो कितने तरह के 3D प्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं, किसी को याद है तो बताइए, चैट चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वेरी नाइस, संजीव जी कह रहे हैं 3, यस, सॉलिड बेस्ड, लिक्विड बेस्ड एंड पाउडर बेस्ड, 3 ही तरह के प्रोसेस होते हैं। और हमारे लिए जो सबसे इजीली एक्सेसिबल है वो सॉलिड बेस्ड है, जिसकी मशीन सबसे कम दामों में बनाई जा सकती है, खरीदी जा सकती है और उसको अब हर गली मोहल्ले में प्रयोग किया सकता है। तो आप 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स बना बना कर सेल कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर अगर आप पेंटिंग कर दें, सॉरी, तो 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर पेंटिंग के हम स्टैचू बना के दिया, टॉयज बनाया, इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए जॉब के लिए। तो मेरी तरफ से इतनी बात थी, अगर कोई क्वेश्चंस और हो तो आप बताइए, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा।
एक प्रश्न है कि यदि कोई 3D प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। तो एक तो 3D प्रिंटिंग की पूरी जानकारी, जैसे मैंने आपको संक्षेप में दी, आप और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए FDM जो मशीन है ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। आप FDM मशीन खरीद सकते हैं, कंप्यूटर खरीद सकते हैं जिसका आप मॉडलिंग करेंगे। अगर आप स्कैनिंग भी करना चाहते हैं तो हैंड हेल्ड स्कैनर भी खरीद सकते हैं। तो एक कंप्यूटर स्कैनर और 3D प्रिंटर, ये तीन चीज़ अगर आप ले लेंगे तो आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को जैसा है वैसा बना पाएंगे। एक्यूरेसी के हिसाब से मशीन की कीमत बढ़ती चली जाएगी और इससे आप टॉयज बना सकते हैं, बहुत सारे एक्सेसरीज बना सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स बना सकते हैं, और जैसा मैंने दिखाया कि कस्टमाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई स्टैचू बना के देना चाहें, कोई घर के सजावट के सामान बना के देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। जी मैम, जी, थैंक यू कुमार साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे काउंसलर्स को समझाया और बताया कि 3D प्रिंटिंग में किस तरह से वो अपना कैरियर बना सकते हैं और किस तरह से 3D प्रिंटिंग जो है एक बहुत ही बेहतर कैरियर ऑप्शन है हमारे जॉब सीकर के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है वो हमारे काउंसलर्स के लिए बहुत यूजफुल होगी और आगे जॉब सीकर को भी ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी और इसका वो फायदा उठाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे स्पीकर आते हैं उनकी बात को ध्यान से सुने और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। आप लोग ये ना भूलें कि जो ये प्रोग्राम्स हैं ये आपके लिए है, आपके जॉब सीकर के लिए है और अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अपने जॉब सीकर को प्रोवाइड करी तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। हम ऐसे ही दूसरे प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल।